Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another part of Sarojini Nagar Monday Market. अगर अभी तक आप लोगों ने first part नहीं देखा है तो आप जाके मेरे channel पर देख सकते हैं, मैं link description box में दे दूंगी. तो अब हम आ चुके हैं 100 rupees के stall पे, जहाँ पे you will get lot of designs and colors. These all are high neck short tops. उनके पास colors बहुत सारे available थे and ये 100 rupees के थे. इसके साथ में ही मुझे एक बैग्स की शॉप दिखी जहाँ पे इनके पास हर वैरायटी के बैग्स अवेलेबल थे. इन बैग्स की रेंजेस जो होती है 150 रुपीस से स्टार्ट हो जाती है. वो प्राइस रेंज जो है थोड़ा ज़्यादा ही कोट करके बोलते हैं, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देते हैं. क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है. इनके पास वैरायटीज़ काफ़ी थी. इनके पास बैकपैक्स अवेलेबल थे, इनके पास स्लिंग बैग्स थे, इनके पास शॉर्ट बैग्स थे, इनके पास वॉलेट्स अवेलेबल थे. तो दे हैड लॉट ऑफ वैरायटीज़ एंड यू कैन जस्ट सी द कलर्स ऑल्सो. गाइस, ये मैं गेट नंबर 1 से एंट्री करते हुए ही जो है सारी शॉप्स, जहाँ से शॉप नंबर 60 से स्टार्ट करते हुए मैं लेन कवर कर रही हूँ, वहाँ पे आपको ये वाली शॉप मिल जाएगी. बहुत टाइम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सरोजनी नगर मार्केट क्लोज़ होने की बात हो रही है, लेकिन जब मैं वहाँ गई थी मार्केट में ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा था. पूरी की पूरी मार्केट ओपन थी. मंडे मार्केट से ज़्यादा भी जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स लगते हैं, पूरी की पूरी शॉप्स ओपन थी. उसके साथ में ही मुझे एक और शूज़ की शॉप मिली, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे जो है शूज़ के कलेक्शन मिल जाएंगे. पहले मैंने इन फर्स्ट पार्ट में इसका जो है सैंडल्स का कलेक्शन, जहाँ पे 200 रुपीज़ के इनके बाहर लगे हुए थे, वो कवर किए हैं. अब मैं इनके शॉप के अंदर का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ. यहाँ पर आप लोगों को जिम वेयर, स्पोर्ट्स शूज़, नॉर्मल वेयर एंड हर तरीके के शूज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे. इनके प्राइस रेंज 850 रुपीज़ उन्होंने बताई थी एंड ये फिक्स्ड प्राइस शॉप है, तो आप यहाँ पे जो है नेगोशिएट एंड बार्गेन नहीं कर सकते हैं. लेकिन इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी. हर तरीके के शूज़ आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जो है फीमेल वेयर है. मेल्स के लिए आपको इस शॉप में कुछ नहीं मिलने वाला है. इस बार सरोजनी नगर में विंटर का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मुझे देखने को मिला. उसी लेन में चलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं एक और. यहाँ पे आपको चिकनकारी कुर्तियाँ मिल जाएगी जो 200 रुपीज़ की हैं. प्लाज़ो मिल जाएंगे जो 200 रुपीज़ के हैं. इन्होंने सारे प्राइजेस लगा रखे हैं. क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी थी. कॉटन कुर्ती है, चिकनकारी भी थी, कॉटन कुर्तियाँ भी उनके पास अवेलेबल थी. उनके साथ में ही ये वाली शॉप थी जहाँ पर आपको लगेज मिल जाएंगे. यहाँ पर आपको बैकपैक्स मिल जाएंगे, स्कूल बैग्स मिल जाएंगे, ब्रीफ केस, सूट केस सब मिल जाएंगे. सन ग्लासेस, आई ग्लासेस की शॉप्स जो है आप लोगों को सरोजनी नगर में ओपनली मिल जाएंगी, जहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ के सारे जो है सन ग्लासेस मिल जाते हैं. तो अब हम आ गए हैं 200 रुपीज़ के स्कर्ट्स के स्टॉल पे. अब जिस तरह से शादियों का सीज़न जो है आ चुका है, तो इस तरह के स्कर्ट्स आप परचेज कर सकते हैं. इनके पास शॉर्ट कट्स भी थी. मैंने पर्सनली जो है खुद के लिए परचेज की. इनका घेरा का इस परफेक्ट होता है. क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, मोटे कपड़े में होती है एंड जो है वेराइटीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को इस स्टॉल पे मिल जाएंगी. तो फेस्टिव टाइम के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली आप 200 रुपये में जो यहाँ से स्कर्ट ले सकते हैं और इसका कुछ चोली या कुछ टॉप बना के पूरा एक इसको लहंगा टाइप में पहन सकते हैं. उसके ऑपोजिट में ही मुझे एक यहाँ पर स्टॉल दिखा. ये ओपनली स्टॉल लगा हुआ था मंडे का. ये शॉप का ही मटेरियल था. यहाँ पे 50-50 रुपीज़ के इन्होंने यहाँ पे स्वेटर्स लगाए हुए थे. स्वेटर्स के अलावा भी इनके पास जो हाईनेक भी थे. यहाँ पे बच्चों की ड्रेसेस भी विंटर्स की थी. 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ के स्टॉल में आपको सब मिक्स एंड मैच चीज़ें मिलती हैं. ऐसा नहीं है 50 रुपीज़ की चीज़ थी जो क्वालिटी बहुत ख़राब थी. मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी. शॉप नंबर 129 में आप लोगों को जो है सारे स्वेटर्स, ऑल वैरायटी विंटर कलेक्शन जो है सुपर मिलने वाला है. वहाँ पे आप लोगों को जो है 50 रुपीज़ की गाइस पूरी की पूरी शॉप थी. यहाँ से आप कुछ भी परचेज करोगे आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा. मोस्टली यहाँ पे 90% चीज़ें जो थी यहाँ पे फीमेल की ही थी. वो कहते हैं कि यूनिसेक्स होता है, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा. लेकिन 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी अच्छा था. कुछ कुछ पीस यहाँ पे लग रहे थे, पुराने थे, लेकिन वो आपको जो है खुद जाके ही देखना पड़ेगा. तो ये शॉप नंबर 129 का जो है सारा मैं कवर कर रही हूँ.
सरोजनी नगर मार्केट में आपको ओपनली ऐसी हुडीज मिल जाती हैं, जैकेट्स मिल जाती हैं, लेदरेट मिल जाती है, फॉक्स लेदर मिल जाता है, और ये सब हुडीज की कॉस्ट जो होती है 350-300 में ही आप लोगों को मिल जाती है। पूरी की पूरी शॉप्स ओपन थी। मंडे मार्केट से ज़्यादा जो है पूरी की मुझे शॉप्स ही ओपन देखने को मिली। आप लोगों को ये लॉन्ग जैकेट जो है 400 रुपये तक मिल जाते हैं। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो आप इस तरह के स्कर्ट्स जो है प्रेफर कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के पार्टी वेयर ड्रेसेस आप लोगों को, टॉप्स आप लोगों को जो है 150-200 के अंदर मिल जाती हैं। हुडीज आप लोगों को यहाँ पे 350-400 तक मिल जाती हैं। इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, कलर ऑप्शंस जो है बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अब हम आ गए हैं 100 रुपीज़ के वॉर्म नाइट सूट का। ये सिर्फ लोअर इनके पास अवेलेबल थे। मैं इनकी क्वालिटी जो है चेक करके देख ली थी। पिछले पार्ट में मैंने 150 रुपीज़ का स्टॉल शेयर किया था, लेकिन थोड़ा आगे जाके मुझे 100 रुपीज़ का स्टॉल दिखा। 150-100 रुपीज़ के स्टॉल में बस यही फ़र्क होता है कि आपको इसमें से पीसेज जो है थोड़े से जो है पुराने लगते हैं। 150 रुपीज़ वालों में अलग एक शाइन होती है, ग्लो होता है, लेकिन ये आप लोगों को देखने से पता चलेगा कि थोड़े से पुराने होते हैं। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। कपड़ा जो है काफ़ी मोटा है, मैंने पर्सनली इसको लिया है। काफ़ी कोजी सी इसमें विंटर्स की फीलिंग आप लोगों को आने वाली है। साइज़ फ्री होता है, इसमें कुछ इलास्टिन वाले थे, इसके अंदर कुछ नाड़े वाले थे, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ये भैया बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे तो मुझे जो है एक एक पीस खोल खोल के दिखा रहे थे अपने स्टॉल का। बिक्सी शोरूम के पास जो है मुझे एक स्टॉल देखने को मिला। इनके पास भी 100 रुपीज़ का ही था, लेकिन इनके पास जो है ये नाइट सूट्स इनके पास ऊपर का है, नीचे लोअर एंड अपर इनके पूरी के पूरी इनके पास कॉम्बिनेशन में थी। ये भी 100-100 रुपीज़ में ही अवेलेबल थे। इनके पास भी वही क्वालिटी नाड़े वाले इलास्टिन वाले थे। तो ये आप जो है 200 रुपीज़ में अपना पूरा नाइट सूट बना सकते हैं। यूजुअली जो अगर आप नॉर्मली लोगे, आपने लाजपत नगर में भी मैंने पूछा है, वो आप लोगों को 400-500 रुपीज़ से जो है कम में नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ गाइस, ये जो होते हैं ये पूरी तरीके से न्यू नहीं होते हैं, ये सेकेंड हैंड की जो है फील होते हैं। देन आपको बिक्सी के साथ में ही ये वाला शॉप जो है आपको 7 डेज़ ही मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ की रेंज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप लोगों को पार्टी वेयर का बहुत अच्छा स्टफ मिलने वाला है। यहाँ पे शाइनी, शिमरी एंड यहाँ पे सारे आपको जो है वैराइटीज़ मिलने वाली हैं, और ये शॉप 7 डेज़ ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ये मंडे मार्केट स्पेसिफिक नहीं है। इसके ऑपोजिट में ही भैया ने एक स्टॉल लगाया हुआ था, ये सिर्फ आप लोगों को मंडे मिलने वाला है। एंड पूरी मार्केट में मुझे इनका जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 50 रुपीज़ में जो है इनके पास जितने भी 80% जो कपड़े थे वो बिल्कुल न्यू ही लग रहे थे। आप ये देख सकते येलो वाला, ये एकदम इसमें रूह नहीं थी, बिल्कुल ही साइज़ परफेक्ट था। सारे पीसेस जो इनके पास काफ़ी अच्छे थे 50 रुपीज़ में। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ के स्टॉल, 20 रुपीज़ के स्टॉल आपको मंडे मार्केट में बहुत देखने को मिलेंगे। इस तरह की जंग ज्वेलरीज एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज जो है 100-100 रुपीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। इन्होंने 100 रुपीज़ ही बताया था, ये सारी ज्वेलरीज जो है 100 रुपीज़ में थी, कुछ बढ़ा के इन्होंने नहीं दिया था। उसी से आगे चल के जो है मुझे एक और स्टॉल दिखा, जहाँ पे आप लोगों को 50 रुपीज़ के अंदर जीन्स मिल जाती हैं। इसके अंदर जो है स्मॉल साइज भी थी, साइज एंड स्ट्रेचेबल थी गाइस, स्पेशली कलर फेडेड नहीं था एंड कलर ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल थे। इस तरह के आप लोगों को जो है स्टॉल्स जहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉयस मिल जाते हैं सारे, इस तरह के 2-3 स्टॉल्स से मुझे देखने को मिले, तो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। गाइस एक और मुझे स्टॉल दिखा जहाँ पे आप लोगों को 50 रुपीज़ के बूट्स मिलने वाले। कैन यू इमेजिन गाइस, ये जो है नॉर्मल इनकी कॉस्टिंग जो होती है 250-200 की होती है। भैया खुद से कह रहे थे कि हमने कुछ टाइम पहले इसको 200 रुपये में बेचा है, लेकिन कुछ साइजेस का इशू हो रहा था, कुछ ही पीस बचे थे तो हमने इसको 50 रुपये में लगा दिया था। एंड क्वालिटी वॉज सुपर्ब, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस आई होप अभी तक आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आती है तो शेयर कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। ये वाली पूरी लेन में जो है मंडे मार्केट का स्टफ लगा हुआ था, जहाँ पे आप लोगों को कॉस्मेटिक जो है 20-20 रुपीज़ में मिल रहे थे। बच्चों के यहाँ पे आपको जो है सैंडल्स एंड बूट्स मिल जाते हैं, ये 150 रुपीज़ में ब्लू वाले थे। एंड इस तरफ लगे थे ये 250 रुपीज़ के थे। 250 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों के जो है बूट्स की क्वालिटी सुपर्ब थी। थोड़ा सा आगे चल के गाइस मुझे 50 रुपीज़ का एक और स्टॉल दिखा। इनके पास जो है थोड़े से मुझे सेकेंड हैंड पीसेस लग रहे थे, न्यू नहीं लग रहे थे।
बट इनके पास वेलवेट वाले अवेलेबल थे, कलर्स भी थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे ये सेकेंड हैंड पीस ही लग रहे थे। इस तरह के 50 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के स्टॉल में गाइस आप लोगों को सब कुछ जो है न्यू नहीं मिलता है, उसके अंदर सेकेंड हैंड चीज़ें भी होती है, रूप भी होती है, डिफेक्टेड भी होती है, वो आप लोगों को देखना पड़ता है। 100 रुपीज़ के स्टॉल में आप लोगों को ये कोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फुल लेंथ कोट भी अवेलेबल थे। एक मुझे डेनिम का जो है स्टॉल मिला जहाँ पे 100 रुपीज़ के डेनिम्स अवेलेबल थे। इनके पास में जो है प्रिंटेड वाले डेनिम्स भी थे एंड ये प्लेन वाले डेनिम्स भी थे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड डेनिम कलेक्शन तो एज यूजुअल जो है गाइस मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में सरोजिनी नगर भी कवर किया हुआ है। सरोजिनी नगर का और डेनिम नहीं लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी, क्योंकि डेनिम का वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कलेक्शन मिलने वाला है। एक और उसी लेन में चलते हुए मुझे जो है एक और 100 रुपीज़ का स्टॉल दिखा। इनके पास जो है ये न्यू ही थे, आप खुद से देख सकते हो, बिल्कुल भी पुराना नहीं है, ये सारे जो है पीसेस न्यू लग रहे थे। अब थोड़ा सा आगे चल के ही जो है मुझे ये 300 रुपीज़ का स्टॉल दिखा जहाँ पे आप लोगों को है जैकेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे यूनिसेक्स भी थी, मेल भी थी, फीमेल थी, अलग अलग थी, लेकिन जैकेट की क्वालिटी सुपर थी, इसमें लेदर थी एंड जो बाइक्स वगैरह पे पहनने के लिए जो होती हैं ठंड ना लगे उसके लिए परफेक्ट थी। 100 रुपीज़ का एक और स्टॉल जो है मुझे दिखा, यहाँ पे समर एंडिंग कलेक्शन भी था लेकिन उनके अंदर जो है कुछ पीसेस भैया के पास जो है स्वेट शर्ट्स के भी थे एंड जो पतले वाले जो स्वेटर आते हैं वो थे। तो ऐसे 50 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के स्टॉल में जो है आप लोगों को इस तरह के पीसेस देखने को मिल ही जाते हैं। बिक्सी शोरूम के ऑपोजिट में ही मुझे एक और ये जो है नाइट सूट्स का जो है स्टॉल दिखा। यहाँ पे ये 150 रुपीज़ के जो है यहाँ पे ये ऊपर के जो पहनने वाले होते हैं हमारे नाइट सूट के, ये मुझे देखने को मिले। इनकी क्वालिटी का सुपर थी, बिल्कुल ही ये जो है नए थे। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय एंड टेक केयर।